गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू ग्रेड अप. सो आई एम अंशुल तोमर एंड आई विल टेक केयर ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट. तो आज का जो चैप्टर है दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, तो ये ऐसा चैप्टर है जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा है. स्पेशली अगर आपने पिछले साल का एडवांस्ड का पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी. तो इस साल भी एडवांस्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने की चांसेस हैं, कि अच्छी खासी प्रॉब्लम्स आती हैं. और इसमें एक सबसे अच्छी बात क्या है कि बच्चों, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्चुअली पीएनसी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस या प्रोबेबिलिटी के साथ मर्ज होके ना थोड़ा सा खतरनाक टाइप का बन जाते हैं. तो इसलिए आज का जो लेक्चर होगा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स का, उसमें हम कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, जिसमें डिटरमिनेंट की, मैट्रिसेस की सारी प्रॉपर्टीज में कवर करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो एडजॉइंट इनवर्स का हो या फिर स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक हो, टाइप ऑफ मैट्रिसेस हो, एडिशन मल्टीप्लीकेशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हो, डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, चाहे डिफरेंशिएशन हो, क्रैमर्स रूल हो, इन सब की जो सारी प्रॉपर्टीज है, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस वाले आज वाले जो सेशन है उसमें मैं सारी चीजें आपके सामने लेके आ सकूं. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स जो अब लाइव हैं, देख रहे हैं, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो. ठीक है, फटाफट से लाइक करो. एक छोटा सा बटन है अंगूठे वाला, लगाओ, लाइक करो. ठीक है, बगल वाला नहीं दबाना है. ठीक है, और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी कर सकते हो, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं और लास्ट मिनट रिवीजन देखना चाह रहे हैं, कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स करना चाह रहे हैं, तो वो इस चैप्टर की कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स आज नोट डाउन कर लो. ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, रजिस्टर ले लो, पेन ले लो. एंड गिव यू, हमेशा की तरह आई विल गिव यू सम टाइम, और उसमें आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. प्रॉब्लम्स का जो लेवल होगा डेट विल बी बोथ जेई मेन और बोर्ड जो कॉम्बिनेशन होता है, एंड प्लस एडवांस्ड ऑल्सो, क्योंकि अब एडवांस भी आने वाला है. बहुत सारे बच्चे मेन्स के साथ साथ एडवांस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, दे आर क्वाइट एक्साइटेड कि एडवांस आएगा. तो उसकी तैयारी भी मैं चाहता हूं कि अभी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाए. बहुत सारे, मुझे पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं पहले जेई मेन, जिनका जनवरी में थोड़ा भी अच्छा नहीं हुआ, वो अप्रैल में अच्छी परसेंटेज लाएं, और उसके बाद आखिरी के दो महीने में या डेढ़ महीना जो भी आपका बचा है आफ्टर जेई मेन अप्रैल, बिट सेट और एडवांस की तैयारी की जाए. तो लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट करो. अगर आपकी परसेंटाइल थोड़ी कम भी रह गई है, ऊपर नीचे भी हो गई है जेई जनवरी वाले में, तो अप्रैल वाले के लिए भी आपको एडवांस की तैयारी करनी जरूरी है. थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने जरूरी है, बिकॉज डेट विल हेल्प यू. जो आपको जेई मेन में आपने देखा होगा पेपर बहुत अच्छा आ रहा है मैथ्स का, और काफी अच्छी प्रॉब्लम्स आ रही है, डेट इज, मैं उसको हमेशा बोलता हूं वो जेई मेन नहीं है, वो मिनी एडवांस्ड है. ठीक है, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, स्पीड मैटर करती है, क्वेश्चंस लेंथी भी आ जाते हैं किसी सेशन में, तो दैट्स व्हाई अच्छी प्रॉब्लम्स करना अब कंपलसरी हो गया है, नॉट बिकॉज ऑफ जेई एडवांस्ड, बिकॉज ऑफ जेई मेन ऑल्सो. अब आपको अच्छी प्रॉब्लम्स करनी पड़ेंगी हर चैप्टर की. इसलिए अगर आपने देखा हो, मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर्स अभी करवा दिए हैं, जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से हमने स्टार्ट किया था, डेफिनेट, देन एरिया, डिफरेंशियल, वेक्टर्स, 3D, प्रोबेबिलिटी एंड मैट्रिसेस. तो अब हम फर्स्ट हाफ पे आ गए हैं 12th के. मैंने सेकेंड हाफ खत्म कर दिया. जिन बच्चों ने वीडियोज नहीं देखी है, प्लीज वो वीडियोज देखो. यूट्यूब पे गेटअप चैनल पे जाओ और वहां पे एक्सेलरेट जेई, जो डेली 6 PM होता है यूट्यूब पर, तो वो आप देख सकते हो. पुरानी वीडियोज हैं जिसमें हमने पिछले एक महीने से हम लगे हुए हैं, और आई हैव कंप्लीटेड दीज 6-7 चैप्टर्स, जिसमें मैंने कुछ अच्छी नई नई प्रॉब्लम्स बच्चों को करवाई है. तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखो. इनडेफिनेट से लेकर प्रोबेबिलिटी, जो सेकेंड हाफ ऑफ 12th है, वो मैं खत्म कर चुका हूं. नाउ दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th का, जो फर्स्ट हाफ होता है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट. इसके बाद आई विल डू फंक्शंस एंड इनवर्स, और ये सारी चीजें हम लोग आगे और करेंगे. विल डू सम टॉपिक्स ऑफ, हम आगे बोर्ड के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे जाकर, जब थोड़ा और क्लोज आ जाएंगे हम लोग. विल डू सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ बोर्ड्स ऑल्सो. तो सब चीजें चलेंगी, और एक ही टारगेट है, एक ही मोटिव है हम लोगों का, कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस मिल सके, ताकि जेई आपके बोर्ड एग्जाम, जिन बच्चों के आने वाले हैं, जो ड्रॉपर्स हैं, वो तो ऑब्वियसली तैयारी कर रहे होंगे, एंड आपका जेई आगे, जेई मेन एंड फिर बिट सैट एडवांस्ड, वो अच्छा हो जाए. ऑब्वियसली एक बार बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे, जेई अप्रैल खत्म हो जाएगा, तो हम थोड़ा और पुश करेंगे बिट सैट को और एडवांस्ड को, और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे. बट राइट नाउ आई एम मिक्सिंग, बिकॉज आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे पेपर्स आने वाले हैं, तो राइट नाउ आई एम मिक्सिंग बोथ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे वो जेई एडवांस्ड हो, तो मैं मिक्स टाइप की प्रॉब्लम्स करवा रहा हूं. ठीक है, तो आई होप सब बच्चों ने लाइक कर दिया है वीडियो को और शेयर कर दिया है. जिन्होंने नहीं किया, प्लीज जल्दी जल्दी कर दो. ठीक है, और फिर हम मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स का ये अमेजिंग सेशन शुरू करने वाले हैं. और डेली होता है, आपको पता है, ये डेली यूट्यूब पर होगा, ग्रेड अप चैनल जब आप जाओगे, एक्सेलरेट जेई अगर आप टाइप करोगे, और यू विल फाइंड इट इन द यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रेड अप,
तो आपको वहां मिलेगा डेली 6 PM पे वी आर डूइंग दीज सेशंस. ये हम कुछ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ नई प्रॉब्लम्स कर रहे हैं. आई एम नॉट डूइंग द प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स. मैं हमेशा ट्राई कर रहा हूं कि आपके सामने कुछ अच्छी और नई प्रॉब्लम्स लेके आ सकूं जो आपको आगे आपकी जो अप्रोच है उसको डेवलप कर पाए, चाहे वो जेई मेन का पेपर हो, चाहे एडवांस्ड का हो, चाहे कोई और पेपर भी हो आपका. लेट्स से कोई और आप पेपर आगे दोगे मणिपाल का या VIT का, तो वो सारी चीजें मैं कवर कर रहा हूं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स. पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है. ठीक है, लेट्स सी. सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स. ये पहली प्रॉब्लम है और पहली प्रॉब्लम है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की. सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होता है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है. और आपने देखा होगा इस बार भी NTA ने जनवरी JEE 2020 जनवरी वाला सेशन हुए थे उसमें भी 6 के 6 सेशंस में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चंस उन्होंने ऑलमोस्ट हर सेशन में डाले थे. डेट मींस, और ये एडवांस वालों का भी फेवरेट है. डेट मींस JEE मेन और JEE एडवांस्ड के लिए दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला जो टॉपिक है डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और क्रैमर रूल आपको आना चाहिए. और अगर आपने मेरी जो मैंने आपको 3D वाली एक चैप्टर करवाया था, आई थिंक प्रोबेबिलिटी से पहले 3D, तो 3D में भी मैंने आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन करवाया था, क्योंकि ये 3D से ही भी सॉल्व होता है. बिकॉज ये जो इक्वेशंस होती हैं, दीज इक्वेशंस आर एक्चुअली द इक्वेशंस ऑफ प्लेन. वो प्लेन की ही इक्वेशंस हैं. तो प्लेन के हेल्प से भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था. जिन बच्चों ने 3D की वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना. जिन्होंने देखी उन्हें याद होगा कि मैंने 3D से बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ 3D, 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री. ठीक है, तो आज हम इसको मैट्रिसेस वाले चैप्टर में कर रहे हैं. लेट्स सी कि आज कितने बच्चे इसको सॉल्व करते हैं. चलो स्टार्ट हो जाओ फटाफट से, कॉपी पेन तैयार एंड स्टार्ट. चलो बेटा जल्दी जल्दी सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आएगा. इट्स ए मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम, इट्स ए मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम. ठीक है, इसको ध्यान रखना और सॉल्व करो. इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है, इसका मतलब अगर क्रैमर रूल आपको याद हो तो नो सॉल्यूशन का मतलब होता है डेल्टा 0 और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई एक नॉन जीरो, एटलीस्ट एक नॉन जीरो होना चाहिए. ठीक है, तो आपको बताना है a प्लस बी की क्या वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो फटाफट से इसको सॉल्व करो कि क्या इसका आंसर आएगा, a प्लस बी की क्या क्या वैल्यूज आएंगी इसमें. चलो वेरी गुड. तो इसको सॉल्व करो जल्दी से और बताओ. सबसे पहले डेल्टा को 0 कर दो. ठीक है, और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकाल लो और देखो कि उसमें से कोई एक नॉन जीरो, कम से कम कोई एक नॉन जीरो आना चाहिए. तीनों भी हो सकते हैं नॉन जीरो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, बट सारे जीरो नहीं हो सकते. अगर सारे जीरो हो जाएंगे तो आपको पता है कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस आ जाएगा. तो वहां से मुझे बताओ कि ए और प्लस बी की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, क्योंकि द ऑप्शंस आर 1 or more than 1 ऑप्शंस आर करेक्ट. ठीक है, तो इसको सॉल्व करो. तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स में महारत हासिल करनी है. जिन बच्चों ने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों ने 3D का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वो जाकर देखो 3D. उसमें मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जो था सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, प्लेन्स का ही क्वेश्चन था और वो 3D की हेल्प से सॉल्व हुआ था, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया था. ठीक है, तो आपको वो उस चीज में एक्सपर्टीज आनी चाहिए, बिकॉज ये आपके JEE वालों का जो है फेवरेट टॉपिक है. ठीक है, तो डेल्टा को सबसे पहले 0 करके देखते हैं क्या आएगा. लेट्स सी. ठीक है, डेल्टा को 0 करते हैं और डेल्टा का मतलब है जो डिटरमिनेंट आएगा, जो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड से बनेगा. तो ये हो जाएगा A12, वो हो जाएगा 121 और ये हो जाएगा 21A. तो नो सॉल्यूशन का मतलब होता है डेल्टा को 0 कर देते हैं. सबसे पहले यही काम करेंगे सब बच्चे, है ना. तो इसको सॉल्व करते हैं तो इससे आंसर आ जाएगा a कॉमन लेके 2a-1. ठीक है, 2a-1 आ जाएगा. उसके बाद आपका माइनस यहां से कॉमन आएगा 1 के साथ, ये आ जाएगा a-2 और फिर 2 के साथ आ जाएगा आपका 1-4 विच इज -3 = 0. सो लेट्स सी a की क्या वैल्यूज बच्चों यहां पे आती है वो देख लेते हैं. ठीक है, तो जब a की वैल्यूज आएंगी तो देखते हैं क्या होगा. तो यह आएगा 2a² - a - a + 2 -6 = 0. सो 2a² - 2a - 4 = 0, यानी कि a² - a - 2 = 0. तो इसके दो रूट्स आएंगे, एक आएगा 2, एक आएगा -1. ठीक है, आई थिंक यहां सबको समझ में आ गया होगा. तो a की दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, एक तो a आएगा 2 और एक आएगा आपका आंसर -1. ठीक है, क्या ये दोनों वैल्यू सही हैं? क्या ये दोनों वैल्यू सही है? क्या
हो सकता है कोई एक नेगलेक्ट हो रहा हो, तो मैं हमेशा हिदायत देता हूं, हमेशा बच्चों को ये सजेशन देता हूं कि आप ना क्या करो, एक ही जो वैल्यूज है ना वो यहां डालकर जरूर देखो बच्चों। उससे क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि दो प्लेन्स पैरेलल आ जाते हैं, अगर दो प्लेन पैरेलल आ जाते हैं ठीक है, तो इसका मतलब नो, तीसरा कहीं भी हो तो नो सॉल्यूशन आ जाता है, बिकॉज दो पैरेलल उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो तीनों का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो इसलिए डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री से मना नहीं कर रहा हूं, कई बार डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री के बिना भी क्वेश्चन हो जाता है, बट एक बार हमें ये डाल के जरूर देखना चाहिए, इसकी आदत बना लो कि जब आप नो सॉल्यूशन या इन्फाइनाइट सॉल्यूशन का केस सॉल्व करोगे, देखो तो यूनिक में तो कुछ करना नहीं होता, डेल्टा नॉन जीरो करना होता है ठीक है, लेकिन जब आपको नो या इन्फाइनाइट का कोई केस आता है तो आप डेल्टा को पहले जीरो करते हो, और डेल्टा वन डेल्टा टू में जाने से पहले एक बार अपनी तसल्ली के लिए, अगर मैं भी आपकी जगह होता और स्टूडेंट जब था मैं क्वेश्चन करता था तो मैं भी यही करता था, पहले एक और टू या माइनस वन दोनों डाल के देखते हैं। उससे क्या होता है, कई बार हमें यह पता चल जाता है कि क्या एक ही दोनों वैल्यूज ठीक है या हो सकता है एक नेगलेक्ट हो रही हो ठीक है ना, तो ये मुझे एक बार देखना है करके, हो सकता है मिले रिजल्ट, हो सकता है ना मिले। फिर डेल्टा वन डेल्टा टू के बारे में भी देखो, क्योंकि बी के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, बी के बारे में मेरे को कुछ भी बताया नहीं गया, तो मुझे ऑब्वियसली डेल्टा वन डेल्टा टू पे जाना तो पड़ेगा ही ठीक है ना। तो एक बार मैं डाल के दिखाता हूं आपको, ए को टू डाल के दिखाता हूं, फिर माइनस वन डाल के दिखाता हूं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ए को एक बार टू डालते हैं बच्चों, ए को टू डालेंगे देखो क्या होगा, टू एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू जीरो, ये मैंने टू डाल रहा हूं मैं ठीक है। फिर यहां भी टू डाल के देखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड, बी का तो हमें पता नहीं क्या होगा प्लस ठीक है। ये जरूर आदत बनाओ अपनी कि यार जब डेल्टा को जीरो करेंगे, चाहे इन्फाइनाइट का केस हो या नो सॉल्यूशन का केस हो, एक बार डाल के जरूर देखो ठीक है। तो कई बार क्या होता है, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री से आप लोग बच जाते हो, हम थ्री डी की हेल्प से इसको बोलते हैं, थ्री डी की हेल्प से सॉल्व करना। अब ये प्लेन्स के बारे में देखूंगा, ये प्लेन्स कैसे हैं, नो सॉल्यूशन कब हो सकता है, ऑब्वियसली जब आपके दो प्लेन्स अगर पैरेलल हो जाए तो नो सॉल्यूशन आ ही जाएगा। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। फिर मैं यहां टू डाल रहा हूं, तो टू एक्स प्लस वाई ठीक है, टू एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू जीरो, ये समझ में आ गया सब बच्चों को ठीक है। अब आप ध्यान से देखो ठीक है, इसमें दो प्लेन्स सेम है, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो दो प्लेन एक के ऊपर एक हैं, और तीसरा जो प्लेन है, जो बीच वाला प्लेन है, वो कहीं और होगा। कहने का मतलब है कायदे से तो दो ही प्लेन हुए ना, इन दोनों ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो एक ही प्लेन माना जाएगा, और ये दूसरा प्लेन हो गया। तो एक इक्वेशन दो वेरिएबल्स, कितने सॉल्यूशंस, एक इक्वेशन सॉरी दो इक्वेशंस और तीन वेरिएबल्स, कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसका मतलब जब ए को तुमने टू डाला तो हमें यह पता चला कि यार दो प्लेन तो एक के ऊपर एक ही आ गए, तो वो तो एक ही प्लेन बन गया, और जो दूसरा प्लेन था वो भी कहीं होगा। तो दो प्लेन यानी कि दो इक्वेशन तीन वेरिएबल कितनी जगह पे मीट करेंगे, इनफाइनाइट जगह पे मीट करेंगे ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो ज्योमेट्री से कि दो प्लेन है तो दो प्लेन का जो लाइन जो कॉमन इंटरसेक्शन आता है वो लाइन आती है, तो लाइन का पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब मैंने माइनस वन डाला ही नहीं अब ठीक है, माइनस वन डालने का मतलब ही नहीं बना, टू डालने पर आई गॉट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसका मतलब ए जो है बेटा टू नहीं हो सकता है, ए को माइनस वन ही होना पड़ेगा। ये फायदा होता है पुट करने से, देखने से, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। अभी बी पे मैंने बात नहीं करी है, बी पे भी मैं बात करूंगा ठीक है। तो समझने की कोशिश करो, जितने भी बच्चे यहां पे देख रहे हैं समझने की कोशिश करो कि इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं जेई मेन में एडवांस में, और बच्चे उसको बस क्रैमर रूल रट के आ जाते हैं, उसको अप्लाई करना नहीं आता है। ये एक बहुत अच्छा क्लासिक एग्जांपल है 3D के साथ मर्ज होने वाला, और एक मैंने एग्जांपल आपको कराया था 3D वाली क्लास में, वो जरूर देखना 3D वाली क्लास में ठीक है ना, दो क्लास पहले, इससे पहले प्रोबेबिलिटी था, उससे पहले 3D था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, नो सॉल्यूशन में डेल्टा को जीरो कर दिया, काम खत्म, दो वैल्यू आ गई, मुझे लगा दोनों सही है बट मैंने डाल के देखा। ये गलती नहीं करनी, ये स्मार्ट बच्चों की पहचान है, जो अब मैं बता रहा हूं उसको करना जरूर है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैंने ए को टू डालना शुरू किया, तो जब मैं ए को टू डालूंगा तो यहां पर दो प्लेन सेम आ गए, जब दो प्लेन सेम आते हैं और तीसरा अलग आता है, इसका मतलब एग्जैक्टली दो ही प्लेन हुए एक तरीके से। अब दो प्लेन और तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड, तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अब आप कह रहे हो सर माइनस वन डालने पर क्या आएगा, तो माइनस वन डालने पर कुछ आ रहा होगा, लेट्स से थ्री प्रिज्म बन रहा होगा, मतलब नो सॉल्यूशन आ रहा होगा माइनस वन डालने पर, क्योंकि डेल्टा जीरो आ रहा है। लेकिन हाँ, ये टू जो था ये तो पक्का गलत हो गया, क्योंकि टू डालने पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, क्योंकि डेल्टा जीरो के दो मतलब होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो वो कैसे पता चलेगा मुझे, ये मुझे पता चला 3D की हेल्प से, मैंने डाल के देखा और देखा प्लेन कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो ये दो प्लेन सेम थे और तीसरा अलग था, तो दो प्लेन और तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल्स, तो डेट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो माइनस वन डालने की जरूरत है, माइनस वन पे नो सॉल्यूशन आ जाएगा ठीक है। डाल के देख भी लोगे, तीन अलग अलग इक्वेशन आएंगी, हो सकता है उनका नो सॉल्यूशन आ जाए
ठीक है। तो अब बात आती है बी पे बच्चों, अब यहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछता बस ए की वैल्यू बताओ क्या आएगी, तो मैं बोलता ए इज माइनस वन, ये जेई मेन लेवल का सवाल हो गया। लेकिन उसने बी भी पूछा है, उसने पूछा है कि बी ए प्लस बी करना है। अब बी का कैसे करें, अब हमें डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री पे जाना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे एग्जाम में वो सिर्फ ए की वैल्यू पूछते हैं, बस ए पूछ लिया तो आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू माइनस वन आएगी, टू नहीं आएगी। वो पूछ लेंगे ना सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए, तो कई बच्चे क्या करेंगे टू और माइनस वन का सम वन बता देंगे, बट टू तो आई नहीं रहा, टू में तो इन्फाइनाइट आ रहा, बच्चे चेक ही नहीं करेंगे। जिनको ये नॉलेज नहीं है या कॉन्सेप्ट नहीं बताया किसी ने, तो वो ये चेक नहीं करेंगे। तो आप जो बच्चे हो जो देख रहे हो, आपको ये चेक करना है डालकर। तो एक वैल्यू नेग्लेक्ट हो गई, ए आंसर आ गया। बट अब यहां क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा और आगे भी है, वो कह रहा है बी की वैल्यू भी बताओ। अब बी के बारे में मुझे, क्योंकि डेल्टा में तो कुछ बी के बारे में बात ही नहीं हो रही है, इसका डेल्टा वन डेल्टा टू पे जाना पड़ेगा मुझे, तो मैं डेल्टा वन निकालने की कोशिश करता हूं, निकाल के देखता हूं, निकाले डेल्टा वन, ठीक है। तो डेल्टा वन की वैल्यू क्या आ जाएगी देखें, तो डेल्टा वन हो जाएगा बच्चों, तो इस ए वन और टू की जगह, ये जो ए वन टू की जगह क्या होता है राइट वाले नंबर आ जाते हैं, राइट वाले मतलब जीरो बी और जीरो ये आ जाएगा, ठीक है। और बीच वाले सेम रहेंगे वन टू वन और टू वन और ए, ए की जगह हमें पता चल गया ए माइनस वन आएगा, तो माइनस वन। देखते हैं डेल्टा वन की क्या वैल्यू आती है, ठीक है। तो डेल्टा वन को अगर सॉल्व करूंगा जीरो के साथ तो जीरो ही आएगा, माइनस वन के साथ कितना आ जाएगा माइनस बी, तो बी हो जाएगा प्लस बी, और यहां पे आपका प्लस टू के साथ आ जाएगा, टू के साथ आएगा बी, सिर्फ बी आ जाएगा थ्री बी, ठीक है। ऐसी डेल्टा टू निकाल लेते हैं, डेल्टा टू में आ जाएगा ए ए वन टू, ए वन टू तो रहेगा ही, तो ए की जगह हमने डाला माइनस वन, तो माइनस वन वन टू, ठीक है। और फिर बीच वाले की जगह हम लोग डाल देंगे राइट वाला विच इज जीरो बी जीरो, और तीसरी साइड आ जाएगी टू वन माइनस वन, इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आएगी। तो माइनस वन के साथ आ जाएगा वही माइनस बी, तो प्लस बी, और जीरो के साथ जीरो आ जाएगा, और टू के साथ आ जाएगा बच्चों फिर से, टू के साथ आ जाएगा माइनस टू बी विच इज माइनस थ्री बी। इसका मतलब आप डेल्टा थ्री बी निकाल के देखना, मुझे लगता है वो भी कुछ थ्री बी के आसपास ही आएगा, प्लस या माइनस जो भी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन में डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो सारे थ्री बी के टर्म्स में आ रहे हैं, इसका मतलब ये नॉन जीरो होना चाहिए, इसका मतलब ये नॉन जीरो होना, यानी बी जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए, बट यहां पे तो सारी सेम आ रहे हैं, तो सारी नॉन जीरो होंगे इसका मतलब, क्योंकि अगर सारे जीरो हो गए बच्चों, अगर बी जीरो हो गया जीरो जीरो जीरो, तो डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री अगर सारे जीरो हो गए तो इनफिनिट सॉल्यूशन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन के लिए नॉन जीरो करना है। अब ये नॉन जीरो होगा तो ये भी नॉन जीरो होगा, ये भी नॉन जीरो होगा, ठीक है, होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो बी नॉन जीरो आ गया। अब फाइनल आंसर क्या मिला, ए आ गया आपके पास माइनस वन और बी आ गया नॉन जीरो, इसका मतलब बस ए प्लस बी की वैल्यू बच्चों माइनस वन नहीं हो सकती, बाकी सब हो सकती है, ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो माइनस वन नहीं हो सकती, क्योंकि ए माइनस वन तो है बट बी जीरो नहीं है, तो दोनों का सम माइनस वन नहीं आ सकता, यानी माइनस वन नहीं आ सकता, बाकी सब आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, बी सी डी इज द राइट आंसर, इट्स गुड क्वेश्चन ऑफ जेई मेन का भी, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट कवर अप हो रहा है और एडवांस का भी ये लेवल का सवाल हो गया, क्योंकि इसमें डेल्टा वन डेल्टा टू हमने निकाल के देखे, ठीक है। अगर ये जेई मेन लेवल का सवाल होता या फॉर दैट मैटर एडवांस में भी आ सकता था, वो सिर्फ ए की वैल्यू पूछते बस, कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो आंसर होता माइनस वन, दैट्स इट। ये हमें कैसे पता चला, डेल्टा को जीरो किया दो वैल्यूज आई, हमने पुट करके देखा, थ्री डी की हेल्प से पता चला कि एक ए को टू डालने पर तो दो प्लेन सेम आ रहे हैं और तीसरा लगा रहा है, यानी दो इक्वेशन तीन वेरिएबल्स, तो आपका इन्फिनिट सॉल्यूशन आ रहा है, माइनस वन पे नो सॉल्यूशन आएगा, पता चल गया। अब बी के बारे में चेक करने के लिए वी हैव टू गो टू डेल्टा वन डेल्टा डेल्टा थ्री, वहां से पता चला सारे सेम आ रहे हैं, नॉन जीरो कर दिया, यानी बी नॉन जीरो आएगा, यानी ए माइनस वन है, बी कुछ भी हो सकता है जीरो के अलावा, यानी दोनों का सम माइनस वन के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है, जो आपको कॉन्सेप्ट समझने में बहुत हेल्प करेगा, एंड आई होप कि मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा हूं कॉन्सेप्ट को। तो आपको एक चीज सोचनी है, इस मेथड से ही मुझे चलना है, ठीक है ना। मेरे को सर ने बोला था नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन कुछ भी आ जाए, पहले डेल्टा जीरो करो, अगर एक से ज्यादा वैल्यूज आ रही है तो आप एक बार चेक करो 3D की हेल्प से, और 3D में नो सॉल्यूशन कब होता है, जब दो प्लेन पैरेलल होते हैं,
ठीक है, या फिर कोई और केस भी हो सकता है लाइक प्रिज्म एंड ऑल, ठीक है ना, तो उसमें भी हो सकता है. और इन्फिनिट सॉल्यूशन कब होते हैं, जब दो प्लेन कोइंसाइड कर जाएं या तीनों कोइंसाइड कर जाएं और दो कोइंसाइड कर जाएं तीसरा कहीं अलग आ जाए, यानी दो इक्वेशन तीन वेरिएबल, तो ये इन्फिनिट के केस. तो ये आपको 3D की हेल्प से ऐसे पता चलता है कि इन्फिनिट है कि नो है. और बाकी अगर डेल्टा वन डेल्टा की जरूरत नहीं पड़ती है तो अच्छी बात है, पर अगर जरूरत पड़ती है, इस केस में पड़ रही थी, बी के बारे में कुछ भी नहीं पता हमें, तो हमने निकाल के देखना पड़ा. ठीक है, तो आई होप सब बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा. तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए. तो सब नए सवाल मैं आपको करवा रहा हूं एंड बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स हैं. ट्राई टू नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट भी लो, करो भी, समझने की कोशिश करो, एंड दिस विल हेल्प यू इन लॉन्गर टर्म. आगे आने वाले एग्जाम्स में आप ये नहीं बोलोगे यार मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था. ठीक है, चलो, अब आते हैं डिटरमिनेंट के सवाल पे. अब ऐसा क्वेश्चन एडवांस में भी अपीयर हो सकता है, और जिस तरह से खतरनाक प्रॉब्लम्स एनटीए दे रहा है, जेई मेन वाले दे रहे हैं, तो वो भी इसमें आ सकता है. तो ये क्वेश्चन इट्स अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, एक डिटरमिनेंट है और इंटीग्रेशन है, दो चीजें इसमें आपको दे रखी हैं. तो इसको बहुत ही ध्यान से इसको सॉल्व करना है. मैं पर्सनली ये तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्वेश्चन करने से पहले कि आप इसमें पूरे को ओपन कर दो. अगर पूरे को ओपन करोगे तो पता नहीं क्या निकलेगा, कितना टाइम लग जाएगा, फिर आप यहां एफएक्स डालोगे और फिर इंटीग्रेट भी करोगे. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस दिखानी है, दिमाग लगाना है और फिर देखना है क्वेश्चन कैसे होगा. चलो फटाफट से इसको सॉल्व कर दो बच्चों, देखो कैसे कर सकते हो, थिंक अबाउट इट कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. डिटरमिनेंट आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स वगैरह वगैरह, पहले क्वाड्रेटिक है, फिर लीनियर है, फिर कांस्टेंट नंबर है, उसके बाद माइनस थ्री से थ्री एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये कुछ एफ एक्स डी एक्स, मेन है आपका यही एफ एक्स निकालना, और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन भी करना है. तो ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवांस में ही पूछे जाते हैं, आपसे जेई मेन में भी ऐसे कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, थोड़ा इसका छोटा वर्जन पूछ सकते हैं. सो मेरा पर्पज यहां पे ये नहीं है कि मैं कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन करा दूं और उसका आंसर बहुत ज्यादा मुश्किल हो या बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो. मेरा यहां पर्पज है कि आपको कुछ नए मेथड्स सिखाना, क्वेश्चन की अप्रोच डेवलप करना कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, इस तरह से सोच सकते हो, और थिंकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना, ये मेरा मोटिव है. ठीक है, कि आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स करवाना, दिखने में टफ है लेकिन वैसे नहीं है, कॉन्सेप्चुअल आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रांग करना, ये मेरा पर्पज है यहां पे. ठीक है, कि क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि हाँ यार क्वेश्चन अगर डिटरमिनेंट है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए विदाउट एक्सपेंडिंग. ठीक है, चल करो इसको सॉल्व. ध्यान से देखो डिटरमिनेंट को, ध्यान से देखो ये क्या चीज है, इसको कैसे टैकल करें. बहुत सारे बच्चों को मुझे पता है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज ही पता नहीं होंगी अपार्ट फ्रॉम रो एंड कॉलम ऑपरेशंस. ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान दो कि कैसे कर सकते हैं. इसमें एक छोटा सा मैं देखो हिंट आपको, एक ध्यान से देखो इसमें ये जो एक्सप्रेशन है इसका डेरिवेटिव जो है नीचे देखो 2x-4, मतलब डेरिवेटिव का हाफ है नीचे, देखो 2x-4 इज 2 times x-2, इसका जो डेरिवेटिव है वो है 4x+4, तो उसका हाफ, डेरिवेटिव का हाफ यहां नीचे देखो. ठीक है, और उसका डबल डेरिवेटिव का हाफ नीचे, 4x+4 का डबल डेरिवेटिव 4 ही तो होगा. ये क्या है, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव है 6x-2, तो उसका 6x-2 का आधा कर दो कितना होगा 3x-1, और उसका डबल डेरिवेटिव करोगे 6x-2 का तो 6 आएगा, उसका भी आधा कर दो. कहने का मतलब ये है अगर ये फंक्शन है आपका कोई लेट्स से gx, तो gx है तो ये हाफ ऑफ जी डैश है और ये हाफ ऑफ जी डबल डैश है, इस तरीके से है. ये तरीका होता है, आपको ये अप्रोच मैं सिखाना चाहता हूं कि जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है और लगता है इंटीग्रेशन भी है तो इसको कौन एक्सपैंड करे. R1-R2 से तो कुछ आएगा नहीं, फिर से वही क्वाड्रेटिक आ जाएगी, कुछ और आ जाएगा, फर्क तो पड़ेगा नहीं ज्यादा. अगर आप रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाते हो डजंट मैटर, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. तो एक तरीका है इसको डेरिवेटिव से सॉल्व करने का, तो वो अब आप सीखो कि कैसे करते हैं. देखो आपका जो फंक्शन है बच्चों, इसको मैं ले लेता हूं कुछ नया फंक्शन, इसको मैं ले लेता हूं लेट्स से ax, इसको ले लेता हूं b एज ए फंक्शन ऑफ x, एक फंक्शन का नाम दे रहा हूं, इसको लेता हूं cx. ठीक है,
अब देखो क्या होगा. तो एफ एक्स पता कैसे है, ये है ए एक्स, ये है बी एक्स, ये है सी एक्स, ये है हाफ ऑफ ए डैश एक्स, हाफ ऑफ बी डैश एक्स और हाफ ऑफ सी डैश एक्स. और जो नीचे वाली जो आपका तीसरा जो रो है बच्चों, वो है हाफ ऑफ ए डबल डैश एक्स, हाफ ऑफ बी डबल डैश एक्स और हाफ ऑफ सी डबल डैश एक्स. इसमें से आप हाफ बाहर भी ले सकते हो, इसका पूरा हाफ, इसका पूरा हाफ जो है आपका 1/4 बाहर आ जाएगा. चलो ऐसे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, 1/4. अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं. अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूं एफ डैश एक्स. क्या करने वाला हूं बच्चों, इसको मैं अब डिफरेंशिएट करने वाला हूं, ठीक है ना. अब देखते हैं डिफरेंशिएट करके क्या होगा, ध्यान से देखना आप, ठीक है ना. अच्छा, किसी भी डिटरमिनेंट को जिसके अंदर तीनों रोज कॉलम्स जो भी सारे नौ के नौ एलिमेंट, अगर वो वेरिएबल हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, विदाउट एक्सपेंडिंग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, दो रो को छोड़कर. अगर मैं रो वाइज करूं या कॉलम वाइज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, पर क्योंकि आप एबीसी इस ऑर्डर में है तो मैं रो वाइज कर रहा हूं. इस दो रो को छोड़कर तीसरी का डेरिवेटिव, फर्स्ट और थर्ड रो को छोड़कर बीच वाले का डेरिवेटिव प्लस, और सेकंड थर्ड को छोड़कर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव. तो करके देखें, तो मैं क्या करने वाला हूं, फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर थर्ड वाले का डेरिवेटिव कर रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर थर्ड वाले का डेरिवेटिव. अब देखो थर्ड वाले का डेरिवेटिव जो है 1, 2, 3 वो कांस्टेंट है, वो तो 0, 0, 0 आ जाएगा. तो थर्ड वाले का डेरिवेटिव 0, 0, 0 आ जाएगा प्लस. फिर मैं फर्स्ट और थर्ड को छोड़कर बच्चों मैं सेकंड का डेरिवेटिव करने वाला हूं. सेकंड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ, सेकंड वाले का, बीच वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, ऑब्वियस यही आ जाएगा, हाफ ए डबल डैश एक्स, हाफ बी डबल डैश एक्स और हाफ सी डबल डैश एक्स. ये दोनों रोज सेम हो जाएंगे एनीवेज. तो ये एक रोज 0, 0 हो गई तो ये 0 बन जाएगा, इसमें दो रोज सेम हो गई ये भी 0 बन जाएगा. आ रहा है कुछ समझ में, कितना आसान है देखो, ठीक है. और फर्स्ट सेकंड और थर्ड को छोड़कर, सेकंड और थर्ड को छोड़कर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा, ए डैश एक्स, बी डैश एक्स और सी डैश एक्स. अब आप देखो इसमें भी जो फर्स्ट रो है वो सेकंड रो के साथ मैच करेगी. देखो हाफ कॉमन ले लोगे तो फर्स्ट दोनों रोज, पहली दोनों रो सेम हो जाएंगी तो ये भी 0 हो जाएगा. इसका मतलब आपका डेरिवेटिव जो है बेटा 0 है. अब अगर आपका डेरिवेटिव 0 तभी होता है जब आपका फंक्शन एक कांस्टेंट होता है, एक ऐसी लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी. आई थिंक ये सबको समझ में आ गया मैंने क्या किया है. क्वेश्चन में ये पैटर्न है, कोई रो कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाना है, इसमें ये पैटर्न है कि एक फंक्शन है उनके डेरिवेटिव और सिंगल और डबल डेरिवेटिव्स दे रखे हैं, तो मैंने ये लिख लिया ऐसे. अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, दिमाग में आपको लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएट करते हैं, या आप सीख लो इन सब चीजों को कि कैसे करना है. जब आप डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, तो डिफरेंशिएट में जब आप पहली दो रो को छोड़कर तीसरी का करोगे, या पहली तीस को छोड़कर तीसरी को छोड़कर सेकंड का करोगे, या सेकंड थर्ड को छोड़कर फर्स्ट का करोगे, तो यू सारे डिटरमिनेंट आपको 0 मिलेंगे. पहले वाले में क्यों मिलेंगे 0, क्योंकि आपका तीसरा रो ही 0 हो गया. इन दोनों में ये दोनों मैच कर गए, इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड मैच कर गए, आपको प्रॉपर्टी पता है, टू रोज टू कॉलम्स आर सेम द डिटरमिनेंट इज 0. तो ये आ गया एफ डैश एक्स 0 का मतलब हो गया कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो के यानी कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगी, तो के आ गया आंसर. इसका मतलब मुझे इंटीग्रेशन बच्चों किसका करना है, फाइनली आई हैव टू डू इंटीग्रेशन -3 से 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन के, तो बाहर ही आ गया, ये तो के आ गया बिल्कुल, तो के बाहर आ गया 1 + x^6 dx, ठीक है. अब अगर आप ध्यान से देखो -a to a वाली प्रॉपर्टी याद करो, -a to a वाली यानी कि ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी लगेगी इसके अंदर. क्या ये फंक्शन ऑड है तो 0 हो जाएगा, इवन है तो 2 times हो जाएगा, फिर डिफरेंस आगे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो मुझे लगता है ये पूरा फंक्शन जो है ये तो इवन है और ये वाला फंक्शन ऑड है, तो ऑड इनटू इवन आप कुछ भी करके देख लो वो फंक्शन हमेशा ऑड ही आएगा. कोई भी ऑड फंक्शन ले लो, साइन एक्स ले लो, ठीक है, और एक फंक्शन आप ले लो एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन आपका इवन, आपका ऑड ही आएगा, है ना. एक्स को जब -x से रिप्लेस करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा.
तो ऑड इनटू इवन फंक्शन आर ऑलवेज ऑड. इवन इनटू इवन क्या होते हैं? इवन. ऑड इनटू ऑड भी इवन ही होते हैं, लेकिन इवन और ऑड का जो कॉम्बिनेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, वो ऑड फंक्शन जनरेट करेगा. आप किंग्स प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ए प्लस बी माइनस एक्स वाली, उससे भी कट के दोनों एड होकर जीरो ही आएगा. तो ऑड फंक्शन की वजह से द आंसर इज जीरो. तो जीरो इज एब्सोल्युटली राइट आंसर. सबको समझ में आया? इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन एज वेल एज डिटर्मिनेंट. मल्टी कॉन्सेप्ट्स की प्रॉब्लम एनटीएनए भी इस बार दी थी, ठीक है, और जे एडवांस वाले तो हमेशा ही देते हैं. तो मैं, आप कुछ नया लर्न करके जाओ, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा टारगेट है. तो आई होप जिन बच्चों को समझ में आ गया हो, प्लीज जल्दी से लाइक कर दो यार. दोनों क्वेश्चन बहुत ही मजेदार थे, इसके लिए लाइक तो बनता है ना? तो लाइक करो फटाफट से. और जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया, प्लीज शेयर कर दो, कि बहुत अच्छा क्वेश्चंस चल रहे हैं. तो जो मिस कर रहे हैं वो देख लें आपके फ्रेंड्स, ठीक है. एंड जिनको स्क्रीनशॉट चाहिए, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीनशॉट जरूर ले लो. ये आपको लास्ट मिनट जो रिविजन होता है, आपको कभी लगता है कि यार कुछ अच्छा क्वेश्चन हमें देखना है एक बार, जो सर ने यूट्यूब पे पढ़ाया था, तो आपके पास वो पूरा फोल्डर होना चाहिए जो मैंने करवाया था, ठीक है ना? तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, तो आई होप सबको समझ में आया होगा मैंने क्या बताया. तो एक पैटर्न था सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव का, तो वो मैंने लिखा यहाँ पे, फिर डिफरेंशिएट किया दो दो को छोड़कर एक का, और वो सब जीरो हो गए, यानी फंक्शन कांस्टेंट आ गया, तो वो तो बाहर ही आ गया. अब ये पूरा फंक्शन ऑड था, तो इसलिए आंसर जीरो हो गया, ठीक है. मतलब फंक्शन इज बेसिकली, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में नहीं आया ना, तो पता है क्वेश्चन क्या आएगा? ये फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, ठीक है ना? तो इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगा. अगर आप पूरा ओपन भी करोगे तो कट पिट के कुछ के की वैल्यू आएगी, वो के आप निकाल सकते हो. अगर आप एक्स को जीरो डाल दो तो सिक्स माइनस टू सॉल्व कर लेना, तो एफ ऑफ जीरो, मतलब क्योंकि फंक्शन ही कांस्टेंट है, तो तुम वन टू थ्री कुछ भी डाल दो एक्स की जगह, आंसर सेम ही आएगा अगर आपको के पता करना है तो, ठीक है. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखते हैं अगली प्रॉब्लम में क्या आपके लिए छुपा हुआ है और क्या कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए. लेट्स सी. अब आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन हमने किया क्रैमर रूल का, यानी कि इक्वेशन का. दूसरा क्वेश्चन हमने किया डिटरमिनेंट का, एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट. अब आ जाते हैं मैट्रिक्स के एक सवाल पे और देखते हैं कि ये इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस सही हैं, ठीक है. मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है ये भी. मैं मल्टी करेक्ट इसलिए ला रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक ही क्वेश्चन से मैं आपको मल्टी कॉन्सेप्ट समझा सकूं. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग मल्टीपल. ये मत सोचना कि नहीं सर ये तो एडवांस का है या मेंस का है, नहीं, किसी का भी हो सकता है. आई वॉन्ट कि आप एबीसीडी चार ऑप्शन है, तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू क्या होता है कि चार ऑप्शन अगर मल्टी करेक्ट होता है तो एक तरह से ये चार सवाल है. तो मैं मल्टी कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ही मल्टी करेक्ट क्वेश्चन लाता हूं कि आप एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट सीख पाओ एक ही क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है. चलो पढ़ो क्वेश्चन को क्या है. If x and y are n cross n matrices with real entries, then which of the following is are true? अगर x और y जो है n cross n square matrices हैं, कोई भी order आप ले सकते हो, आपकी मर्जी, 2 cross 2 भी ले सकते हो आप, तो आपको बताना कौन कौन से options जो हैं. Sorry, ये थोड़ा spelling गलत हो गई, ठीक है, true, tior लिखा है. तो पहला option है if x is diagonal with distinct diagonal entries. अगर x एक diagonal matrix है जिसकी diagonal entries यानी कि जो भी डायगनल मैट्रिक्स के जो नंबर्स एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं, और एक्स वाई वाई एक्स के बराबर है, तो कहा जा रहा है कि वाई भी डायगनल होगा, ठीक है. इफ एक्स स्क्वायर इज ए डायगनल मैट्रिक्स, तो एक्स भी डायगनल होगा. अगर एक्स डायगनल है एंड एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल वाई, तो देन एक्स इज इक्वल टू लैमडा आई फॉर सम एल्फा बिलोंग्स टू आर. और एक ये प्रॉपर्टी कुछ दे रखी है, वाई इंटू एडजॉइंट ऑफ एक्स इनवर्स वाई इज इंटू एडजॉइंट एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई. ये आपको बताना है, ठीक है. चलो एक एक करके चेक करते हैं, पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से हम चेक करते हैं. तो बताओ क्या आंसर आएगा इसका और कौन कौन से ऑप्शंस इसमें करेक्ट होंगे. टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो एंड लेट्स सी कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं. हिंट अगर मैं आपको दूं, एक नॉर्मल सा हिंट, बहुत छोटा सा, कि आप 2x2 मैट्रिक्स ले लो एक्स को, कोई भी 2x2, और पहले ऑप्शन पे चलते हैं, डायगनल पे जाओ, डायगनल ले लो कोई मैट्रिक्स, और वाई को जनरल मैट्रिक्स ले लो ए बी सी डी, और एक्स वाई वाई एक्स को बराबर करो और देखो कि क्या ये रिजल्ट आ रहा है, वाई भी डायगनल आ रहा है क्या, ठीक है. ऐसी एक्स स्क्वायर, किसी का स्क्वायर अगर डायगनल है तो जरूरी है कि एक्स भी डायगनल ही हो, और अगर एक्स डायगनल है, एक्स वाई वाई एक्स बराबर है, वो तो सेम दिया हुआ है, तो एक्स क्या लैम्डा आई के बराबर आएगा, और एक ये, ठीक है ना. तो ऐसे एक एक करके आपको चेक करना है, ठीक है. चलिए Now
लेट्स सी कितने बच्चे इसको कर पाते हैं. कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स आप ले लो, ठीक है. यहां पे एक थोड़ी सी वो है, आप यहां पे आई करता ना, क्योंकि ये पूरा मैट्रिक्स है ना, तो ये आई एन लगाना भूल गया हूं, तो आई एन भी आ जाएगा यहां पे. कोई भी 2x2 मैट्रिक्स आप ले लो एक्स का, कोई भी टू, क्योंकि बोला गया कि एक्स वाई दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और एक्स डायगनल है, तो आप एक्स को तो कुछ भी ले लो. जैसे एक्स को हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, सॉरी पी क्यू और जीरो जीरो, ये ले लेते हैं. ये एक्स मैट्रिक्स मैंने ले लिया क्योंकि वो डायगनल मैट्रिक्स है विद डिस्टिंक्ट डायगनल एंट्रीज. डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया कि वो बोला गया कि पी और क्यू बराबर नहीं है. क्वेश्चन से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत घबराओ. अगर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स दिया है तो कोई भी 2x2 ले लो, सबसे सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमें आता है, और जो जो बोला गया मैथ्स में वो साथ साथ लिखते जाओ एंड बढ़ते जाओ आगे. ज्यादा मत सोचो कि यार आगे कैसा आएगा क्या आएगा, एंड ट्राई टू थिंक मतलब कि करते हैं चलो, ठीक है. एक्स वाई और वाई एक्स, अच्छा वाई को भी ले लेते हैं कुछ, वाई को तो लेना ही पड़ेगा हमें, ए बी सी डी. अब क्वेश्चन में बोला गया कि एक्स वाई और वाई एक्स बराबर हैं, तो y भी डायगनल होगा, y भी डायगनल होगा, इसका मतलब b और c भी जीरो आएंगे, ये बोला गया क्वेश्चन में. चलो देखते हैं, लेट्स सी. एक्स वाई को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स वाई हो जाएगा p जीरो जीरो q और y हो जाएगा a b c d, और ऐसे इधर y x हो जाएगा, पहले आ जाएगा a b c d और फिर आ जाएगा आपका p जीरो जीरो q. लेट्स सी, दोनों को बराबर करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या y डायगनल आता है. डायगनल का मतलब है कि ये वाले एलिमेंट्स जो हैं b और c वाले, ये जीरो आने चाहिए. डायगनल मैट्रिक्स यही होता है, इसमें डायगनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं, ठीक है. तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा ए पी प्लस जीरो सी, ये जाएगा पी बी, ये हो जाएगा जीरो इंटू ए सी क्यू और जीरो, ये हो जाएगा डी क्यू. ठीक है बच्चों, इधर देख लेते हैं क्या आएगा. लेट्स सी, इधर करें, देखो ए पी, ए पी आएगा यहां भी, ये आएगा ए जीरो, ये आएगा बी क्यू, ठीक है, ये आएगा पी सी और ये आएगा जीरो डी क्यू. दोनों को बराबर कर दें, जब मैट्रिक्स बराबर होते तो हर एलिमेंट बराबर होता है, तो ए पी, ए पी बराबर है, डी क्यू बराबर है, यानी कि पी बी और बी क्यू बराबर होंगे, यानी कि पी बी और बी क्यू जो होंगे वो बराबर होंगे. इसका मतलब यह है कि b कॉमन लेके p माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो, और ऐसे ही आपके सी क्यू बच्चों और सी पी भी जीरो होंगे, ये सॉरी दोनों बराबर होंगे, तो सी क्यू इज इक्वल टू सी पी, तो यहां से c कॉमन लेके p माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो. अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि p और q बराबर नहीं है, p एंड q बराबर नहीं है. अगर p और q बराबर नहीं है तो फॉर श्योर b भी जीरो आएगा और c भी जीरो आएगा. इसका मतलब यस, अगर b और c जीरो आ गए तो यस y इज ऑल्सो अ डायगनल मैट्रिक्स, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, ठीक है. समझ में आया बच्चों? तो अगर x एक डायगनल मैट्रिक्स है और y भी एक डायगनल मैट्रिक्स, सॉरी y एक नॉर्मल मैट्रिक्स है और एक्स वाई वाई एक्स बराबर है, p और q इक्वल नहीं, क्वेश्चन में बोला गया डिस्टिंक डायगनल एंट्रीज, तो p और q जो है वो आपके इक्वल नहीं है, तो एक्स वाई और वाई एक्स अगर बराबर आ जाएगा, हमने इक्वेट किया तो वहां से हमने देखा आराम से कि पी क्यू बराबर नहीं हो सकते, तो b और c को ही जीरो होना पड़ेगा. इसका मतलब b और c जीरो होने का मतलब y भी डायगनल मैट्रिक्स हो जाएगा. तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, और ये एक प्रॉपर्टी भी है कि अगर x और y दो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं और x डायगनल है और कम्यूटेटिव है प्रोडक्ट एक्स वाई और वाई एक्स का, मतलब बराबर है दोनों, तो y भी डायगनल होना चाहिए. तो दिस इज अ प्रॉपर्टी, एंड अगर आप याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देख सकते हो, इसको नोट कर सकते हो, ठीक है. तो आई थिंक ये सब बच्चों को यहां तक समझ में आया होगा. अच्छा एक काम हम बच्चों कर सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, सी ऑप्शन पे आ जाते हैं, क्यों ना सी ऑप्शन, क्योंकि सेम ही है बिल्कुल. देखो एक्स डायगनल है, डिस्टिंग तो नहीं बोला गया, एक्स वाई वाई एक्स भी बराबर है फॉर ऑल वाई, ठीक है. तो आपको बोला एक्स भी लैमडा आई हो सकता है फॉर सम अल्फा, सॉरी फॉर सम लैमडा, थोड़ी सी इसमें टाइपिंग एरर हो गई है पर कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है. तो फॉर सम लैमडा बिलोंग्स टू आर, तो देखते हैं क्या आएगा ऐसा, लेट्स सी, ठीक है. देखते हैं कि क्या एक्स की वैल्यू लैमडा आई आएगी,
ठीक है, अगर मान लो कि y जो है डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप देख सकते हो p और q जो है बेटा बराबर आ जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, x डायगोनल मैट्रिक्स था वो ये रहा, y कोई भी मैट्रिक्स है ले लिया एक्स वाई, एक्स वाई वाई एक्स बराबर है फॉर ऑल y, ठीक है ना, कोई भी y हो जाए और कोई डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट भी नहीं बोला इन्होंने, ठीक है, तो फॉर ऑल y, तो एक्स वाई वाई एक्स बराबर, ये बराबर आ गए। अब देखो ये आ गया, अब देखते हैं दूसरा केस, अगर ये मैं गलत मान लूं कि P और Q इक्वल नहीं है, मान लो मतलब P और Q इक्वल है मान लेते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि B और C के अलावा P और Q बराबर हो जाए, ये भी तो हो सकता है। अगर B और C जीरो ना हो, जरूर फॉर ऑल Y का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि डायगोनल ही हो, ऑल Y का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स ही हो, सकता है P Y कुछ नॉर्मल मैट्रिक्स हो, ठीक है ना, तो मान लेते हैं एक बार को इसको काट देते हैं कि B और C जो है वो जीरो हो जाएंगे, एक बार छोड़ देते हैं इसको, तो ऐसा भी तो हो सकता है P और Q बराबर हो जाए, क्योंकि C वाले पार्ट में ये नहीं दिया है डिस्टिंक्ट डायगनल एंट्रीज, तो ये नहीं दिया है, तो हो सकता है डायगनल एंट्रीज बराबर आ जाए। अगर डायगनल एंट्रीज बच्चों बराबर आ जाएंगी तो एक्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, देखो खुद ही देखो आप, एक्स मैट्रिक्स ये दोनों बराबर हो गए, तो पी जीरो जीरो पी यानी कि पी टाइम्स सम आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, और वही बोला गया है कि x एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू लैम्डा हो जाएगा, तो c इज आल्सो द राइट ऑप्शन। ये आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला, पहला और c ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, कि x डायगोनल है ले लिया, y नॉर्मल है ले लिया, दोनों बराबर हैं, बराबर भी कर दिए, इक्वेट भी कर दिए दोनों को, लेकिन क्या डिफरेंस है, यहां मना किया गया था, यहां डिस्टिंक्ट डायगोनल थे, यहां p और q बराबर नहीं थे, तो P और Q बराबर नहीं थे, तो फिर B और C का जीरो होना तय था, यानी कि Y का डायगोनल होना तय था, यहां पे कुछ भी नहीं बोला गया, यहां पे Y नॉन डायगोनल भी हो सकता है, हो सकता है नॉन डायगोनल, तो जरूरी नहीं है कि यहां पे P और Q, यहां पे P और Q हो सकता है बराबर भी हो जाए, तो यहां पे B और C जीरो भी हो सकते हैं और P और Q बराबर भी हो सकते हैं, तो मैंने P और Q को जब बराबर लिया तो यस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कुछ लैम्डा या पी टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी फॉर सम लैम्डा, दैट मीन दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सबको यहां तक समझ में आया बच्चों, ये चार सवाल है, ये एक सवाल नहीं है, ये बेसिकली फोर क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ठीक है, चार सवाल हैं एक तरीके से ये, ओके चलिए अब देखते हैं बी ऑप्शन, अगर एक्स स्क्वायर डायगोनल है तो क्या एक्स भी डायगोनल होगा, अगर एक्स स्क्वायर डायगोनल है तो क्या एक्स भी डायगोनल होगा, यह हमें चेक करना पड़ेगा एक बार, ठीक है, चलो देख लेते हैं फटाफट से, आई होप किसी को स्क्रीनशॉट लेने तो ले लो, क्योंकि मैं यहां मिटाने जा रहा हूं इसको, एंड देन वी विल डू द बी पार्ट, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, आई होप सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा पहले और सी ऑप्शन में, बस एक फर्क है कि यहां पी क्यू बराबर नहीं हो सकते थे, तो इसलिए बी सी को जीरो होना पड़ा, पर दिस वाले पार्ट में जरूरी नहीं है कि पी और क्यू, बी और सी ही जीरो, पी और क्यू भी बराबर हो सकते हैं, क्योंकि बोला नहीं गया, उन्होंने बोला फॉर ऑल वाई, जरूरी नहीं वाई डायगोनल ही हो, तो इसलिए पी क्यू अगर बराबर हो सकता है तो एक्स भी कुछ पी टाइम्स आई आ सकता है, ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं कि बी ऑप्शन सही है कि नहीं है, चेक तो करें, लेट्स सी कि बी और बी ऑप्शन देखने से तो लगता है, देखो एक चीज तो मैं बता सकता हूं बच्चों, अगर एक्स डायगोनल होगा तो उसका स्क्वायर तो डायगोनल होगा ही होगा, बच्चों को लगता है सही है, और ये सही है भी कि अगर x डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका स्क्वायर भी करोगे तो वो डायगोनल ही आएगा, पर उसमें उल्टा पूछा, बोला x स्क्वायर अगर डायगोनल है तो क्या x डायगोनल होगा, ठीक है, अगर x स्क्वायर डायगोनल है, चलो एक काम करते हैं, एक x मैट्रिक्स लेते हैं a b c d, और x स्क्वायर क्या हो जाएगा a b c d इंटू a b c d, और यहां से क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी और बी सी प्लस डी स्क्वायर, अब ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, बोला गया ना इफ एक्स स्क्वायर इज डायगोनल, अब ये डायगोनल है बच्चों, अगर ये डायगोनल है तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, यानी कि बी टाइम्स ए प्लस डी भी जीरो हो जाएगा एंड साथ साथ सी टाइम्स भी ए प्लस डी जीरो हो जाएगा, अगर ये जीरो हो जाएगा, वो बोल रहा है क्या एक्स भी डायगोनल है, क्या इसके बी और सी भी डायगोनल है, जरूरी तो नहीं है कि बी और सी भी जीरो हो सकता है बी जीरो हो, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ए प्लस डी ही जीरो हो जाए, बस खत्म, हो सकता है कि बी और सी जो हैं वो नॉन जीरो नंबर्स हैं और ए प्लस डी जीरो आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है,
तो बी और सी का कोई जीरो होना तो जरूरी नहीं है, इसलिए कोई जरूरी तो नहीं है कि अगर एक्स स्क्वायर डायगनल आ जाए तो एक्स भी डायगनल आ जाए, वाइसी वर्सा इज ट्रू। लेकिन अगर एक्स डायगनल है, अगर ये डायगनल ले लेते हैं आप, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो डायगनल ही आएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। इसलिए दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ध्यान से देख लो बच्चों, ऐसे आपको एक क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है, इस तरीके से मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, ठीक है ना, कि आपको एक एक ऑप्शन चेक करना है विद एकदम कॉन्फिडेंटली, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो शार्प होने चाहिए, और यही मेरा मोटिव है जैसे मैं बता रहा हूं कि आपके आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम शार्पन करना, ठीक है। तो ए बी सी डी, और मैंने एक्स स्क्वायर भी ले लिया, एक्स स्क्वायर डायगनल है, ये पक्का ध्यान रखना, अगर एक्स डायगनल है तो उसका स्क्वायर पक्का डायगनल होगा, पर उल्टा ट्रू नहीं है। एक्स स्क्वायर अगर डायगनल है, यानी कि ये दोनों अगर जीरो है, तो जरूरी नहीं है कि बी और सी भी जीरो हो, क्योंकि बी और सी जीरो जरूरी नहीं है, हो सकता है ये वाला पार्ट जीरो हो जाए, प्लस डी जीरो हो जाए, इनका सम जीरो आ जाए और बी और सी नॉन जीरो रह जाए, तो जरूरी नहीं है। सो बी ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाले पोर्शन पे, और लास्ट वाले पोर्शन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, देखते हैं सही है या नहीं। इसमें मैंने क्या किया है कि एडजॉइंट की प्रॉपर्टी मैं लगवाना चाह रहा हूं, कि एडजॉइंट की प्रॉपर्टी आप लगा दो इसके अंदर। अब देखो कैसे, लेट्स कम टू द डी पार्ट। बच्चों मैं चाह रहा हूं कि एक क्वेश्चन के थ्रू आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीखो कि यार अच्छा क्या क्या दिया हुआ है, डायगनल है, एक्स वाई वाई एक्स है, बराबर करो फिर देखो कि वाई का क्या रिजल्ट आ रहा है, ऐसी सी में हमने चेक किया, फिर बी में हमने रिजल्ट चेक किया, तो ऐसे क्वेश्चन है जो हमने ये प्रॉपर्टीज कभी पढ़ी नहीं है, तो जरूरी नहीं आपने मैट्रिसेस की दुनिया भर की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हो, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये डिड्यूस करने, रिजल्ट डिड्यूस करने, रिजल्ट फाइनली लाने में आपको मतलब ये आपको करना आना चाहिए कि हाँ क्या बोला गया तो मैं कर सकता हूं क्वेश्चन को, जरूरी नहीं आई रेड ऑल द प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। लेकिन हाँ बेसिक जो एडजॉइंट इनवर्स की प्रॉपर्टीज है वो तो आपको याद करनी ही है। जैसे डी ऑप्शन में देखो, आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि एडजॉइंट, बच्चों एडजॉइंट ए बी जो होता है वो उल्टा ओपन होता है, आई थिंक सबको याद होगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, नहीं पता तो प्लीज नोट डाउन कर लो। जब ट्रांसपोज लेते हो ए बी का तो उल्टा ओपन होता है बी डैश ए डैश, जब ए बी का इनवर्स लेते हो तब भी उल्टा ओपन होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे ही एडजॉइंट ए बी भी उल्टा ओपन होता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट, चाहे कितने भी अंदर ए बी सी हो तो उल्टा ओपन होगा, एडजॉइंट सी फिर एडजॉइंट बी फिर एडजॉइंट ए, तो इसको ओपन करते हैं चलो। तो वाई, ठीक है, ये कितने मैट्रिक्स हैं, एक फिर ये दो फिर तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, कह रहा है मॉड वाई इंटू आई एन के बराबर आता है कि नहीं आता, लेट्स सी, उल्टा ओपन कर रहा हूं मैं, ये ए है आपका ये बी है, तो एडजॉइंट वाई अलग ओपन हो जाएगा, एडजॉइंट वाई, ठीक है, और एडजॉइंट एक्स इनवर्स अलग हो जाएगा, एडजॉइंट एक्स इनवर्स अलग हो जाएगा इंटू एडजॉइंट एक्स, तो था ही सब बच्चों को ये प्रॉपर्टीज पता है कि एडजॉइंट वाई इंटू एडजॉइंट वाई कितना होता है, सबको मालूम है, ठीक है। ये आपस में देखो इस तरह से आपका रूल लग जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे कंसेक्यूटिव, और ये हो जाएगा मॉड वाई इंटू आई एन, ठीक है। अब बचा ये एडजॉइंट एक्स का जो इनवर्स है वो एडजॉइंट एक्स के होल इनवर्स के बराबर होता है, अगर प्रॉपर्टी नहीं पता तो प्लीज याद कर लो, मैं आई विल डेफिनेटली ट्राई टू शेयर इट ऑल्सो, कोई पीडीएफ होगा तो आई विल ट्राई टू शेयर, की मैं शेयर कर दूं कोई प्रॉपर्टीज का पीडीएफ। तो एडजॉइंट एक्स का जो इनवर्स होता है बच्चों वो एडजॉइंट एक्स इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। और भी होती है ऐसी, एडजॉइंट ए का या एक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो एडजॉइंट ए ट्रांसपोज होता है वगैरह, इस तरह की प्रॉपर्टीज एडजॉइंट की आपको पता होनी चाहिए। तो एडजॉइंट एक्स का होल इनवर्स इंटू एडजॉइंट एक्स, ऑब्वियसली एक मैट्रिक्स और उसका इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन आई होता है, तो यह भी आई एन ही हो जाएगा, बेसिकली आई एन आई एन आई एन ही होता है, तो मॉड वाई इंटू आई एन, ठीक है। तो यस डी इज द राइट आंसर, सो द करेक्ट आंसर्स आर ए सी एंड टी, ये तीन आपके एकदम करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है बच्चों। यहां तक सबको समझ में आया स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये चार क्वेश्चन है, जो पहले क्रैमर रूल वाला सवाल था वो इतना लेंदी था, ठीक है, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। जो दूसरा डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन था वो भी आपका स्मार्टनेस, आपको वो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, इस तरह की प्रॉपर्टी आपको लगानी आनी चाहिए कि यार डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, और वो डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव का सवाल था और उसमें इंटीग्रेशन का थोड़ा सा फ्लेवर था। और जो तीसरा प्रॉब्लम था, ये एक नहीं चार सवाल है, पहले पहली प्रॉपर्टी चेक करी, फिर तीसरी करी, फिर दूसरी चेक करी, और फिर डी को हमने निकाला सॉल्व करके, इसमें एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज लग रही है। तो ये चार क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, इसमें तीन सही है और एक स्टेटमेंट गलत है। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, वो लेते जाओ साथ साथ, ठीक है। और आई होप सब बच्चों का जो चैप्टर है जो कहीं ना कहीं धूल जमी हुई थी या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं वीक रह गया, तो आई थिंक आई एम ट्राइंग टू कि वो स्ट्रांग हो जाए आप लोगों का, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, और वो पैसेज है बच्चों, वो कॉम्प्रिहेंशन है,
ठीक है, उसके बाद आई विल गिव यू सम होमवर्क, मैं आपको होमवर्क करने को दूंगा, उसी का पैसेज का दूसरा सवाल और एक क्वेश्चन और, आई विल गिव यू, आज मैं आपको दो क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन हम लोग अगला जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है वो। यस, दिस द क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना, पैसेज बेस्ड प्रॉब्लम है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स मैं आपके स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूं कि आपके जो भी रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो एडजॉइंट के हो, इनवर्स के हो, मैट्रिक्स इक्वेशन के हो, डायगोनल मैट्रिक्स को टाइप ऑफ मैट्रिक्स के हो, या फिर आपके डिटरमिनेंट के हो, तो आई एम ट्राइंग टू इस छोटे से टाइम पीरियड में मैं कुछ नए सवाल आपको करवा पाऊं और जो आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर पाऊं, ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर लेस देन फोर, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order less than 4 such that a minus a dash का determinant is non-zero और b जो है वो adjoint a है, तो determinant a आपको दिया हुआ है, आपको बताना है trace, tr का मतलब trace, trace का मतलब क्या होता है बच्चों, sum of diagonal elements, जो diagonal element होते हैं, एक ही diagonal होता है matrix में, square में, उसके sum of elements को हम trace बोलते हैं, ठीक है, so tr is for that trace, तो किसका ट्रेस बताना है आपको, एडजॉइंट ए बी का ट्रेस बताना है आपको, एडजॉइंट ए बी जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रेस बताना है, तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व, इसको सॉल्व करो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है लेस देन फोर, यानी कि वन ऑर्डर का भी हो सकता है, टू ऑर्डर का भी हो सकता है और थ्री ऑर्डर का भी हो सकता है, अब वो आपको पता लगाना है क्या ऑर्डर है इसका, और बी एडजॉइंट ए है, उसके बाद देखेंगे कि डिटरमिनेंट क्या है और क्या निकालना है, तो पहले इसका ऑर्डर पता करो, आई एम गिविंग यू दिस थिंग, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, वन टू या फिर थ्री, बताओ जल्दी से, इसको सॉल्व कर लो, पहले ऑर्डर निकालो फिर बात करेंगे, लेस देन फोर में तो बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं, वन बी टू बी थ्री बी कुछ भी हो सकता है, पर आपको वो हेल्प कौन करेगा, वो ये चीज हेल्प करेगी, ये ए माइनस ए डैश का जो डिटर्मिनांट है वो नॉन जीरो दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, डिटर्मिनांट नॉन जीरो का क्या मतलब है, ये देखना है अपने को, कहीं पढ़ा है ए माइनस ए डैश, याद करो अपनी बचपन की कहानी जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ी थी, हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है पढ़े हुए आपने, जब मैट्रिक्स पढ़ा था आपने कुछ महीने पहले, कुछ टाइम पहले, और जेई के लिए भी जब तैयारी की होगी तो आपने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एक प्रॉपर्टी थी कि एनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद है, और उसमें हम लिखते थे ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, क्या लिखते थे, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, ए प्लस ए डैश जो था वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और ए माइनस ए डैश जो था वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, इसका मतलब ए माइनस ए डैश जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है हमेशा, ये हम वैसे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, देखो ए माइनस ए डैश का जो ट्रांसपोज आएगा वो ए डैश माइनस ए आएगा विच इज माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश, इसका मतलब ये है कि ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि a माइनस ए डैश इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन a प्लस ए डैश जो होता है दैट्स ऑलवेज सिमेट्रिक, वो हमेशा सिमेट्रिक होता है, पर a माइनस ए डैश इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, पता है आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो कब होता है, जब वो इवन ऑर्डर का होता है, क्योंकि ऑड ऑर्डर का स्क्यू, सॉरी अब देखो ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक का डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है, आप कोई भी डिटर्मिनेंट लेके देख लो, लेट्स से डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक के जीरो होते हैं, ये ए होगा तो ये माइनस ए होगा, ये बी होगा तो ये माइनस बी होगा, ये सी होगा तो माइनस सी होगा, आपने एक थ्री क्रॉस थ्री का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया है, डिटर्मिनेंट लिया जो भी, इसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो ही आएगा, चेक कर लेना, लेकिन अगर मैं टू क्रॉस टू का लूं, अगर मैं 2 क्रॉस 2 का स्क्यू सिमेट्रिक लेता हूं तो उसका डिटरमिनेंट जो आएगा वो ए स्क्वायर आएगा विच इज ऑब्वियसली नॉट जीरो, अगर ए जीरो ना हो तो नल मैट्रिक्स ही हो जाएगा फिर, इसका मतलब अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है सो दिस इंप्लाइज कि वो इवन ऑर्डर का है, ऑड ऑर्डर का नहीं है, क्योंकि ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑड ऑर्डर का, चाहे वो 5/5 का भी क्यों ना हो हायर आगे मैथमेटिक्स में, उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होता है, इसलिए लेस देन फोर बोला है, तो लेस देन फोर में वन का और थ्री का तो वैसे ही जीरो हो गया, बचा कौन सा, टू ऑर्डर, तो इसका मतलब यस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज टू, तो ए का जो ऑर्डर आएगा वो टू आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए इज टू, ये आपको पता चल गया,
तो ऐसे आपको, जैसे मैं बोल रहा हूं, हमेशा ये आपको अप्रोच आनी चाहिए, ये दिमाग में देख के आना चाहिए यार कि हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑड ऑर्डर का जीरो होता है, इवन ऑर्डर का नॉन जीरो होता है. तो उन्होंने नॉन जीरो बोला है, लेस देन फोर बोला है, तो ऑर्डर टू ही पॉसिबिलिटी है, वन टू थ्री में से, बाकी वन और थ्री तो ऑड हो गए, उनका जीरो हो जाएगा. ठीक है. और बी आपको दिया हुआ है बच्चों एडजॉइंट बी, दिया हुआ है आपको एडजॉइंट ए. अब आते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पर. डिटर्मिनेंट ए आपको थ्री दिया हुआ है. डिटर्मिनेंट ए क्या दिया हुआ है बच्चों? थ्री. अब इसको सॉल्व करके देखो कि क्या आंसर आएगा. ये मैंने आपको बताना था, ये चीज बता दी. नाउ ट्राई टू सॉल्व इट कि क्या होगा. डिटर्मिनेंट ए आपको थ्री दिया हुआ है, आपको बताना है कि ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए बी क्या होगा. मतलब पहले एडजॉइंट ए बी निकाल लो, ठीक है, और उसका आपको ट्रेस बताना है क्या आएगा. ठीक है, चलो जल्दी से बताओ क्या होगा. एडजॉइंट ए बी का ट्रेस क्या होगा? तो एडजॉइंट ए बी को आप लिख सकते हो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए. ठीक है ना, उससे फिर हमें आइडिया मिलेगा कि क्या ट्रेस होगा इसका. चलिए बताओ जल्दी से क्या इसका आंसर आएगा बच्चों. एडजॉइंट ए बी को अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट ए बी का, है ना. तो एडजॉइंट ए बी का फॉर्मूला हो जाएगा एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए. ठीक है, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए. और एडजॉइंट बी का क्या फॉर्मूला होता है? एडजॉइंट बी का फॉर्मूला होता है बच्चों, एडजॉइंट बी का फॉर्मूला, बी क्या दिया हुआ है आपको? एडजॉइंट ए दिया हुआ है. तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए आ गया. अब ये बताओ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का क्या फॉर्मूला होता है? अब ये बच्चों को पता होना चाहिए. एडजॉइंट ऑफ, जिनको नहीं पता है तो प्लीज ये याद रखना है आपको, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू, एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इंटू डिटर्मिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स ए, और एडजॉइंट तो था यहां पर. यह फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का, ये वाला फॉर्मूला. तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज मॉड ए, यानी डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस टू इनटू मैट्रिक्स ए, और एडजॉइंट तो था ही राइट में. अच्छा, एन की वैल्यू कितनी है? एन कितना आ गया? टू. तो एन अगर टू आ गया बच्चों, एन यहां पे टू आ गया, ये तो वन ही बन जाएगा. तो बचा गया अल्टीमेटली ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए बच गया. और ए इंटू एडजॉइंट ए का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? ए इंटू एडजॉइंट ए होता है डिटरमिनेंट ए इंटू आई टू, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और डिटरमिनेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है थ्री, तो थ्री आई टू. सो थ्री आई टू का मतलब हो गया मैट्रिक्स हो गया थ्री जीरो जीरो थ्री. बस खत्म हो गया क्वेश्चन. क्या आएगा इसका ट्रेस? ट्रेस का मतलब क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. कितना आ जाएगा? सिक्स. यस, सिक्स इज द राइट आंसर. तो बच्चों ये आपका बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, जिसमें हमने क्या चीजें सीखी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है उसका डिटरमिनेंट ऑड ऑर्डर का जीरो होता है अगर नहीं पता, और अगर नॉन जीरो है तो यानी वो इवन ऑर्डर का है. लेस देन फोर में एक इवन ऑर्डर आएगा, टू, यानी ऑर्डर टू पता चल गया. बहुत जरूरी था ऑर्डर निकालना, नहीं तो हमें एन को क्या डालते हैं? हमें पता ही नहीं एन को क्या डालना है. हमें यही नहीं पता आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा. अगर थ्री बाई थ्री का होता तो नाइन भी आ सकता था, इसलिए ऑर्डर तो पता लगाना सबसे पहले जरूरी था. ठीक है, ऑर्डर पता लगाया, उसके बाद हमने फिर शुरू किया एडजॉइंट ए बी ये कार्यक्रम, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, फिर बी को लिखा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए. ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ये सब याद होना चाहिए आपको. एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है? मॉड ए की पावर एन माइनस वन. सबको याद होना चाहिए एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है? मॉड ए की पावर एन माइनस वन, एन इज द ऑर्डर. और ऐसे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है मॉड ए की पावर एन माइनस टू इनटू मैट्रिक्स, क्योंकि एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इज ए मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स आएगा. और ये तो था ही, तो ये तो वन हो गया. अगर हमें पता था एन टू है तो ये वन हो जाएगा, और फिर इसका फॉर्मूला आएगा मॉड ए इंटू आई टू, जो आ गया थ्री प्लस थ्री सिक्स आ गया इसका ट्रेस. तो ये चीजें, इसमें स्क्यू सिमेट्रिक का भी कॉन्सेप्ट था, एडजॉइंट की भी प्रॉपर्टीज थी, और अल्टीमेटली ट्रेस भी निकालना था आपको. तो यही मेरा टारगेट है, यही मैं चाह रहा हूं कि आप लोग ऐसी प्रॉब्लम से आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका चैप्टर है, वो इतना स्ट्रांग कर दूं मैं. ठीक है, लेकिन आई हैव ऑब्वियसली लिमिटेड टाइम, तो मैं आप जो आगे के एक दो सवाल हैं, आई एम गिविंग यू द होमवर्क. आप उसे होमवर्क में प्लीज सॉल्व करना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका प्लीज आंसर जरूर बताना. एंड आई विल डेफिनेटली टेल कि इसका सही आंसर क्या है. मैंने प्रोबेबिलिटी का भी नहीं बताया, आई विल टेल टुडे ओनली कि प्रोबेबिलिटी का क्या सही आंसर था. मैंने उसमें भी होमवर्क दिया था, तो आज मैं आपको इसमें भी एक होमवर्क देने जा रहा हूं. एंड आई होप
कि एवरीबडी लाइक्स द सेशन, कि आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा. ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस जो भी मैंने आपको 45-50 मिनट्स 1 आवर तक पढ़ाया है, ठीक है, और इसमें मैं कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने ला सकूं. ठीक है, क्वेश्चन हम भले देखने को 4 या 5 कर रहे हैं, बट उसमें कुछ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं. वो जो मल्टी करेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो एक क्वेश्चन ही 4 क्वेश्चन होते हैं. तो मैं यही ट्राई कर रहा हूं कि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे ही करते रहे, और ये कंटिन्यू रहेगा ऑब्वियसली तब तक आपका जेई एडवांस नहीं हो जाता और आप अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच जाते. ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉरी 2 क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए. एक इसी पैसेज का एक क्वेश्चन और है, एक और है. अब आपको पैसेज सारा तो समझ में आई गया, अब एक क्वेश्चन आप इस पैसेज के थ्रू करना. ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको अलग से देता हूं जो पीएनसी के साथ थोड़ा सा मर्ज है, क्योंकि वो भी आपको आना चाहिए. लेट्स सी क्या क्वेश्चन है वो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है. तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों. ये आपका पैसेज बेस्ड प्रॉब्लम है, वही वाला सेम क्वेश्चन है, बस इसका क्वेश्चन नंबर 2 है ये. तो इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो. बोला गया मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट, वही उल्टा ओपन करने वाला क्वेश्चन है, रिवर्स ओपन करना और बताना क्या आंसर आएगा. इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, जल्दी से. ये उसी पैसेज का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि पैसेज में 2 सवाल आते हैं. तो मैंने आपको एक करवा दिया, तो एक आप होमवर्क में लो. आपको सब कुछ समझ में आई गया कि मैट्रिक्स कैसा है, 2 ऑर्डर का है. अब आपको बस एडजॉइंट की प्रॉपर्टी लगा के इसे सॉल्व करना है, बताना क्या है. एडजॉइंट का ही क्वेश्चन है ये, एक तरीके से एडजॉइंट और इनवर्स जो है उसकी मिक्सड प्रॉपर्टी का सवाल है ये. और एक क्वेश्चन आई थिंक सब बच्चों ने ले लिया होगा, दिस इज ए होमवर्क प्रॉब्लम. और ये आपको कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर टाइप करना है कि क्या आंसर होगा. इसका पैसेज का लिख देना सर, पैसेज का ये आंसर है. एंड नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, जो अगली प्रॉब्लम है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, वो ये है. फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3. आपको ऐसे सारे मैट्रिक्स बताने हैं सिमेट्रिक, ठीक है ना, ए ए डैश बराबर है, जो 3x3 ऑर्डर के हैं, जिनकी एंट्रीज का मतलब है सारे एलिमेंट या तो 1 होंगे या -1 या 0, इनमें से कोई होगा, और उसका ट्रेस 1 के बराबर होगा. तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपके जेई में बहुत बार अकर करती है. इट्स ए जे एडवांस टाइप प्रॉब्लम, लेकिन ये प्रॉब्लम आसान है. ठीक है, तो आप एक कुछ पॉसिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना, उसका सम आएगा 1, उसके केसेस बनाना, और एंट्रीज जो है, एंट्रीज का मतलब एलिमेंट्स जो होंगे वो इन तीनों में से कोई ना कोई होंगे, इसके अलावा कुछ मत ले लेना. तो बताना कितने मैट्रिक्स आएंगे. तो न्यूमेरिकल रिस्पांस का एक क्वेश्चन है. तो आज हमने न्यूमेरिकल रिस्पांस का किया, मल्टी करेक्ट का किया. ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके जेई मेन एडवांस्ड में आती हैं. तो आई होप मैं जितना कंट्रीब्यूट कर सकता था आई हैव डन. और मैं ऑब्वियसली आगे और भी आपको कभी मैट्रिसेस होगा जब हम दोबारा शुरू करेंगे या कोई चैप्टर दोबारा का, तो आई विल डू सम और कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे. और जो नेक्स्ट क्लास होगी डेट विल बी ऑन वेंसडे, और वेंसडे को हम लोग करेंगे आई थिंक पहले फंक्शंस हैं, देन विल डू इनवर्स. ठीक है, तो फंक्शंस की कुछ अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट हाफ ऑफ 12th कर रहे हैं अब हम. ठीक है ना, तो आई होप सब बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पिछले क्वेश्चन का भी. ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क है, एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है ना, ये आपको सॉल्व करने हैं, एंड इट विल हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस. और आपको पीएनसी के साथ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा ये भी एक आइडिया रहेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करना है. ठीक है बच्चों, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल डू अनदर चैप्टर. और तब तक आप इसको प्लीज रिप्लाई जरूर करना. एंड जाते जाते आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू कि लाइक करो सेशन को, है ना, ठीक है ना. और बच्चों को अपने अपने जो भी अपने फ्रेंड्स हैं और जो भी आपके जो भी पढ़ रहा है या रिलेटिव्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको बोलो कि YouTube पे जाओ, ग्रेड अप चैनल पे, एंड सब्सक्राइब द चैनल. और वहां पे एक्सेलरेट जेई में रोज क्लासेस होती है 6 PM, एंड ट्राई टू डू द न्यू प्रॉब्लम्स. और वहां पे एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस चल रही है जिसमें हम कुछ नई नई प्रॉब्लम्स करते हैं. सो प्लीज लाइक जरूर करना इसको, ठीक है ना, छोटा सा बटन दबा दो बगल में. ओके चलो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू अगेन. टिल देन कीप प्रिपेयरिंग विद ग्रेड अप टू स्कोर बेटर. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू.